मिलीज किचन से। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आज अपने किचन में बनाने लगी हूँ लड्डू पीठी वाले, बड़े मज़ेदार से बनाएंगे, फटाफट बन के रेडी होंगे। तो चले शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। बना लेते हैं हम यहाँ पर मीठी चटनी। मीठी चटनी के लिए मैंने यहाँ पे खुबानी लिया है, जिसे मैंने 4-5 घंटे पहले भिगो दिया था। ये मेरे पास इमली है, इसके मैंने सील निकाल के इसको छान लिया। ये गाढ़ा गाढ़ा इसका पेस्ट है, ये गुड़ है। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुबानी डाल दी हमने इसमें, इमली का गाढ़ा रस डाल दिया हमने इसमें। अब साथ ही साथ इसमें शामिल कर देंगे गुड़। अब हम इसको पकने देंगे स्लो फ्लेम में 10 से 15 मिनट के लिए। ये पक जाएगी, इसको हम ब्लेंडर में डालेंगे और अच्छे से ब्लेंड करके इसकी चटनी करेंगे रेडी। मेरे पास यहाँ पर चने की दाल है, 3-4 घंटे पहले मैंने इसको भी गो दिया था, क्लीन करके वॉश करके ये मेरे पास रेडी है। और ये मेरे पास मूंग की दाल है, ठीक है। मूंग की दाल को भी आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से लीजिएगा, मैंने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से लिया है। और ये मूंग की दाल है, इसको भी मैंने क्लीन करके वॉश करके भिगो दिया था। मैं इसको डालूंगी ब्लेंडर में, ब्लेंड करूंगी, इसकी पेस्ट बनाऊंगी, बहुत फाइन पेस्ट। और फिर फाइन पेस्ट बना के मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हम शामिल करेंगे। इसको ब्लेंडर में डाल लेते हैं और चलिए इसकी पेस्ट बनाते हैं। बैटर हमारा ये, मैंने इसको ब्लेंडर में अच्छे से पेस्ट बना ली इसकी, ये देखिए। और इसको बिल्कुल भी हमने बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाई, थोड़ा सा इसको मैंने दरदरा सा रखा है, मतलब थोड़ा सा, ये देखें ऐसे ऐसे थोड़ा सा। अब इसमें कुछ चीज़ें शामिल करूँगी। 1/2 टेबल स्पून से कम मैंने इसमें डाला है सॉल्ट, बहुत कम, 3/4 मैंने इसमें डाला है बेकिंग सोडा। 1/2 टेबल स्पून से कम मैंने डाला है ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। इसको करूँगी मिक्स, अच्छे से मिक्स करके कवर करूँगी और इसको मैं 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। 5 मिनट रेस्ट करूँगी, इसको ऑयल गरम करूँगी और आपके सामने इसको करूँगी फ्राई। हमारे लड्डू पीठी बनाने के लिए बैटर रेडी हो गया। यहाँ पे मैंने पानी लिया है, हैंड वेट करूँगी। कढ़ाई में मैंने डाला है ऑयल और ऑयल हमारा अच्छा गर्म हो चुका है। इसको चेक करने के लिए हम डाल देते हैं थोड़ा सा बैटर, ये देखिए बस ये ऊपर आ जाएगा तो हमारा ये बैटर रेडी है। अब हम बनाएंगे इसके अच्छे से भल्ले और डालेंगे। बस ऐसे बनाते जाएंगे इनके लड्डू पीठी वाले और ऐसे इसको गोल्डन होने तक पकाएंगे। मैं सारा बैच डालती हूँ, गोल्डन होते हैं तो आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स, मैंने इसमें डाल दिए हैं अपने लड्डू। अब हम इसको करेंगे गोल्डन, अच्छे से एक तरफ से गोल्डन हो जाएंगे, 2-3 मिनट लगेंगे और फिर इसकी करेंगे साइड टर्न और फिर वहाँ से इसको 2-3 मिनट के लिए कुक करेंगे और बस रेडी करेंगे। तो चलिए लड्डू पीठी वाली के लिए हमने बना ली थी मीठी चटनी, अब आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए मैंने मीठी चटनी बना के इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करके बड़े अच्छे से रेडी करके रख लिया अपने पास। अब मैं बनाऊंगी ग्रीन वाली चटनी। एक हरी मिर्च ले ली है मैंने, ले लिया है धनिया और पुदीना, इसको वॉश कर लिया है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे 1 प्याली ताज़ा इमली का रस है, थोड़ा पतला सा। मैं इसमें डालूंगी 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट, 1/2 से थोड़ा सा कम ज़ीरा, 1 टेबल स्पून डाली है मैंने कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डाला है, ये मेरे पास है सौंफ और अदरक पीसी, ये शामिल करेंगे और इसको ब्लेंड करके चटनी आपको दिखाती हूँ। साइड टर्न की और ये बड़े अच्छे से गोल्डन हो रहे हैं। अब ये गोल्डन हो जाएंगे तो हम इसको निकालेंगे, एक बैच और डालूंगी, उसको रेडी करूंगी और फिर आपको दिखाऊंगी इसके लिए। तो देखिए व्यूअर्स, हमारे मज़ेदार यहाँ पे लड्डू पीठी वाले बन के रेडी हो गए। देखें कितने अच्छे बने हैं। तो और मैं आपको बताऊं, चटनी मैंने आपके सामने बनाई, मेरे पास चाट मसाला है, ये मेरे पास मूली है छील के मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है। ये ग्रीन चटनी है, मैंने आपके सामने बनाई थी। कंसिस्टेंसी अगर आप देखना चाहें तो इस तरह की है मीठी चटनी की, और अगर आप देखना चाहें ग्रीन वाली चटनी की तो ये थोड़ी सी मैंने पतली रखी है, ये देखिए। चलिए इसकी कर लेते हैं आप रेडी इसको। तो चलिए ये देखिए, इसके ऊपर हम डालेंगे सबसे पहले अपनी मीठी चटनी।
अच्छी सी मीठी चटनी डाल लेंगे, थोड़ी सी मूलियाँ डालेंगे, ग्रीन वाली चटनी डालेंगे, देखें चाट मसाला डालेंगे। चलिए ये थी हमारी मज़ेदार सी लड्डू पीठी बनके रेडी हो गई, बहुत मज़े के बने हैं, यकीनन आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो चलें मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।